आराम से कर ले यार। आराम से तो कर रहा हूँ। अच्छा हुई बिस्तर उठा लिया, ना तो अगर पापा देख लेते गाली और देते आज। पापा पे तो काम ही हुई है गाली देने का। वैसे बात बताऊं, तू कसम सपना बहुत जोर का आया भाई। क्यों ऐसे कहा देख लिया सपने में? अरे भाई मैं और तू खेत पे गए पापा को खाना देने। पापा ने अपनी सेटिंग ना वो आंटी वो बुला रखी, हम दोनों ने देख ली। पापा हमें देखते डर गए, फिर कहा मैंने पापा से कह दी पापा मैं मम्मी बता दूंगा। तो पापा मुझसे कहने लगे एक काम कर तू भी अपनी सेटिंग बुला ले, दोनों चल ले मनाली। वहां जाके करी हमने राफ्टिंग, एक स्कूटी पे पापा एक स्कूटी पे मैं। और मैं कहा फिर तू जब हम दोनों जा रहे हैं ना तो तू गोबर का तसला लेके गांव के बाहर खड़ा हो भाई। मैं क्या करूंगा? हम दोनों मनाली जा रहे हैं, तू गोबर गिनने जा रहा है। अच्छा बेटा, फिर मैंने भी एक बहुत जोर का सपना देखा। तुम जब मनाली में घूम रहे हैं ना तो ये बात मैंने मम्मी बता दी, फिर जो तुम दोनों में जूता बाजा, ओहो मजा ही आगा मजा। चल 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 काम कर अपना, ठीक है? तो ना कोई सपना पड़ा तो चिड़े मोसू। हाँ तो उसी तो चिड़ूंगा मैं। हाँ तो चिड़े मोसू, तू ही तो मिलाओ बस चिड़ने को। अरे सुवर सुवर गुथन लगो। ना ना बाबा गुथना रहे हैं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी कोई पेल ना पड़ जा। दिमाग लगा रहा था पापा ही मौसम कह रहा कि मो एक सपना आया कि पापा मो मनाली घुमा रहे पहाड़न पे। अच्छा बहुत बढ़िया सपना आया, एक सपना मो भी आया कि मैंने तुम दोनों बीच में तू फाड़ के रास्ते सुखा रखे हो। ना ना पापा तुम्हारे वाले मजा ना आया, हमारा वाला बढ़िया है। मजा ना आया है ऐसा घूसा मारूंगा दवा तरह मजे दोनों बाहर निकल जाएंगे। और भैया तुम मोलू बता दो तुम दोनों करना कहाँ चाह रहे हो? देखो पापा दसवीं के पेपर दे दिए हैं, 20 साल के हम दोनों हो लिए, अब बस हमारा ब्याह करवा दो, फिर दो दो बालक और फिर घर में पापा पापा और तुम सब बाबा बाबा। बिहार वालों के लिए पूछ रहा मैं, 4 पैसा का हिल्ला है, खर्चा कैसे लगा कुछ सोच रखो? हाँ बाबा सोच रखो, 50-60 हजार रुपए किराया आ रहा हूँ, 10-20 हजार रुपए मम्मी उपलाओ दूध बेच के कमा ले, और बाकी हम दोनों की भगवान से यू प्रार्थना कैसे करके तुम्हारी बढ़िया ड्यूटी लग जावे, 10-15 हजार रुपए वहां से हो जाएंगे, 1 लाख रुपया सूदे। दोनों भाई 50-50 हजार रुपए बहुत लग रहे, फिर मजे ही मजे। मैं करूंगा ड्यूटी, बुढ़ापे मेहनत होगी मुझे। तो पापा एक काम कर लो ना, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर लो, मेहनत भी लो, बस डंडा लेके बैठना, थोड़ा सा ओवरटाइम कर लोगे तो 2-4 हजार रुपए फालतू मिल जा करेंगे। बिल्कुल सही कह रहा पापा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कितना दिमाग है यार तुम्हें। बहुत बढ़िया औलाद है भाई, ड्यूटी तो बेटा मैं थारी लगवाऊंगा, रिजल्ट आ रहा है परसों, जब बताऊंगा तुम दोनों ने। भाई रिजल्ट आ रहा है? हाँ यार आ तो रहा शायद। तो कोई बात ना पापा, आंदो रिजल्ट हम तो सुई देनी पास हो जाएंगे। बेटा अगर तुम दोनों फेल हो गए ना तो घर से भी ऐसी सुई से लिकड़ दियो, समझ गए? पापा बैग पैक करने का टाइम तो दोगे ना? इतना तो चाहिए कम से कम। भैया ओ भैया एक वाले देख मच्छर था। मच्छर ना पापा, दोस्त है दोस्त है। अरे अरे बता मस्तानी आज तुम जल्दी कैसे आएगा? अरे भैया एक मोड़ी तुम फेसबुक पे बात करते, बाप ने गांव आई है यार, बात से मिल भी जाने हैं। अरे भैया दोस्त है मैं फेसबुक पे, हमने तो देखी ना। हाँ तो चलो संगे तुमको दिखाई दिए, पर हम तो जानते ही ना है वह। अरे भैया यार बहुत बढ़िया लड़की है, तुम्हें फोटो दिखाए, इतनी अच्छी है। अरे भाई लड़की की फोटो मत दिखाया करो, मैं समझ गा, हमें सिर्फ गांधी जी का फोटो अच्छा लगा, वो भी बस नोट पे पैसा। अरे भैया यार तुम समझते नहीं हो, बात बहुत गहरी है। तो तू समझा दे ना भैया, सेटिंग वेटिंग हो जाए बढ़िया, मन लगो रहे हैं हमारू। देख लौंडे के बिना मन ना लग रहा होगा ना तेरा। भैया शाम को बाकी गांव में जाने हैं तो जाए जुगाड़ कर दो। तो फिर एक काम कर हम अपनी गाड़ी ले लेंगे। तुम्हारी वह कबाड़ा गाड़ी? अरे ओए गाड़ी को कुछ मत कह दियो, तेरी बाबू तो धोखा दे देगी, हमारी गाड़ी ने हमें कभी धोखा ना दिया, समझ गा? सॉरी सॉरी गलती होगी भैया, गलती होगी, गलती होगी, अब तो तू पिटेगा। अरे ओ मस्तानी में लगे रहोगे, जाकर अपनी मम्मी से मिल लो। मम्मी से मिले अबे क्यों? उल्लू का पट्टा, आज तेरी मम्मी की हैप्पी एनिवर्सरी है। है बाबा मम्मी का जन्मदिन है आज। जन्मदिन ना है एनिवर्सरी है, मतलब शादी की सालगिरह। भाई मेरा बयान हुआ ना तुम्हें पता नहीं हुआ तो हमारा भी ना, हमें तो पता हो ना। अरे पापा आ रहे हैं अभी, आ रहे 5 मिनट में। अरे 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 भैया आज तो दावत है, और तुम जा बताओ कि आईपीएल देख रहे कि नहीं देख रहे? अरे मैं तो देख भी रहा हूँ, बिनोमो पे ट्रेडिंग करके पैसा भी कमा रहा हूँ। बिनोमो? जो बिनोमो का है भैया? बिनोमो एक भरोसेमंद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, या से तू ट्रेडिंग की दुनिया में घुस सके और एक ट्रांजैक्शन पे 90% प्रॉफिट से पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी पा सके। या का कम से कम डिपॉजिट 500 रुपया, तू यहाँ कितना कमा लेगा? 400 रुपया बढ़िया। लेकिन सोच 2000 के डिपॉजिट पे एक ट्रांजैक्शन पे 1600 रुपया कमा सके, यू बढ़िया प्रॉफिट है। अच्छा भैया मैं कह रहा हूँ कर ले, बाकी जैसे तुझे अपने पैसे मैनेज करने हो तेरे ऊपर है। वाह भैया, पर हमें डिपॉजिट कैसे करें? अरे बहुत आसान है, बस तू यहाँ क्लिक कर, यहाँ में नए यूजर के लिए एजुकेशन सेंटर भी है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक पढ़ो, क्लिक कर ट्रेडिंग स्टार्ट कर। भैया जाए तो आज से शुरू कर दिए हम। मम्मी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। चांटा ऐसा मारूंगी अकल ठिकाने आ जाएगी अभी। आए बड़े हैप्पी एनिवर्सरी वाले।
अरे कहा होगा मम्मी, आज तो हैप्पी बर्थडे है तुम्हारी। बर्थडे बर्थडे तो ठीक है, पर हैप्पी मत लगा दीजो, क्योंकि तुमने और थारे बाप ने कभी हैप्पी रहन ना दियो मैं। दांतन ने क्यों फाड़ रहा है, तो भी कहनी कुछ। आंटी जब जय कजू नहीं कह पा रहे तो हम क्या कहें। कहा होगा मम्मी, आज तो खुश रहो कम से कम। ये दो जवान जवान मजबूत सुंदर लौंडा तुम्हारे, टेंशन मत ले करो, हैप्पी रहो तुम। तुम जैसन की याल तो रैली खुश में। गुस्सा मत करे करो मम्मी, कभी तो प्यार कर ले करो हमसू। हाँ ठीक है। हाँ तो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अच्छा मम्मी, क्या साल हो गए तुम्हारे पापा गैल? 24 साल हो लिए पूरे, यह पोछा मारते मारते है मम्मी। 24 साल हो गए पापा गैल, हम 20 साल से अकेले, हमारा ब्याह करवा दो। अभी करवा दूं? अभी है, अभी करवाऊं। अरे इन्हें छोड़ो मम्मी, तुमने बताओ कहां गिफ्ट चाहिए तुम्हें? ओ भैया वो न चाहिए कोई गिफ्ट, बस मेरी नाक में दम मत करे करो, वही गिफ्ट बहुत है मौके। थोड़ा हैप्पी एनिवर्सरी नितिन मृदुल की मम्मी, हैप्पी एनिवर्सरी। आ गई तुम्हें याद, बड़ी जल्दी आ गई। ओरा कैसी बात कर रहे हो बाबू, मैं तो कभी भूलता ही ना हूं। हां मम्मी सही कह रहे पापा, हमें भी पापा ने बताया कि आज एनिवर्सरी है। हां हां ठीक है, बस गैल अपने बाप की ओर ले ले करो। ओरा बाबू तू पता ना कितना बुरा समझे है वो, देखियो मैं तेरे मारा कहां लाया हूं। ए मम्मी देखियो पापा कितना प्यार कर रहा है तुमसे, पहले से तैयारी कर रखी है। अरे आंटी अब तो मान जाओ, अंकल बहुत बढ़िया आदमी है, आजकल इतना प्यार कोई काउ तो नहीं करत। सही कह रहा हूं मस्तानी। वैसे यहाँ लाने की कहा जरूरत थी? कहा जरूरत थी, ठीक है तो वापस कर आऊंगा। अरे जब आ गई है तो वापस क्यों करनी है, दिखाऊंगे कैसी है। देख लो मम्मी, अभी दो दिन पहले सूट दिवा के लाए पापा तुम्हें, आज गिफ्ट भी दे दिया। हाँ लगता बढ़िया रही है, इनन के ब्याह में कौम आएगी। वैसे अंकल तुमने गिफ्ट तो दे दो, पर आंटी के लिए एक शायरी सुना दे तो मजा आ जावे। अरे वाह मस्तानी क्या बात कही है यार, पापा एक शायरी सुना दो। सुनो तो फिर। हाँ तो सुनाओ ना। ब्याह का लाया तो या घर में होली है 25 साल। ब्याह का लाया तो या घर में होली है 25 साल, 50 साल भी पूरे कर ले जब भी लगा कमाल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे कुछ ना बाबा, तुम्हारे पापा सिर्फ मक्खन लगाना आवे। अरे यार इतना जी तारीफ करो, जब भी लुका लगा मक्खन लगा रहे हो मक्खन लगा रहे हो। ओ मम्मी मक्खन सुजाद आयो, आज तो कुछ बढ़िया बनना चाहिए खाने में। अरे बनना क्यों चाहिए, आज तक कम से कम बाहर होटल बजा खाना चाहिए। हाँ भैया सही कह रहे, पनीर की सब्जी और रसगुल्ला मिले तो आज साथ ही ठंडी हो जाए। अब भैया थारा इतना चाहिए तो चल लो। ना 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 कोई कहीं ना जाएगा, बिना बात के बाहर जाके 200-400 रुपए में आग क्यों लगानी, और मैंने छोले उबाल के धर रखे उनका खाएगा। नहीं नहीं आंटी आज तो बाहर ही चलो चाहिए, आज तुम घर को काम कर रहे हो। कम बोलेगा तू, बालकन को इतना ही मना तो चल। अरे तुम्हें जो खाना है मुझे बता देते, मैं यही बना देती, छोले भी खराब हो जाएंगे। इतना बड़ा फ्रिज ला के धर रखा हम धरते, कल खप जाएंगे। चलो भाई चलो। हे बाबा चले। हाँ हाँ चलो कोई दिक्कत ना। सही में और जब कह दी तो चलो। ये ठीक है बाबा, तुम दोनों बातचीत कर लो हमारे अभी। देख हो गया ना बालक राजी, इन्हें तो बाहर का ही खवाते रहो, ये तो वही में राजी रहे। अच्छा मैं सोच रहा हूँ ब्राह्मण राजू बुला लूं। ना ना किसी मत बुलाओ, फालतू खर्चा ही होएगा। अरे उन्हें बाद में पता पड़ेगी फिर अच्छा ना लगता। अरे तुम यूँ कह दियो ना कि बालकनी के चक्कर में गए। चल ठीक है। अरे बैठे गए मंगवा कुछ खाए बे को यार। सही कह रहा मस्तानी, भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। हाँ तो खाने को ही आए हैं, मंगवाओ। ए हेलो एक्सक्यूज मी बेटर, मेनू ले मेनू। तुम कैसे चुप-चुप बैठे हो? मेरा मन ना कुछ खाने का। क्यों? तो मैं ही तो बाहर खाने की पड़ी, तभी तो कह रहे बाहर चलो खाने को। और पीने का टाइम हो रहा, रोटी खवा रही है तुम वो। अरे आज तो थम जाओ कम से कम, रोज तो पियो ही हो तुम। और फिर एनिवर्सरी कैसे मनाएगी? रोटी खा के। और रोटी खा के कुछ हो रहा, मजा ही ना आता, सिर ही घूमता वासु। हेलो सर, हेलो सर, हेलो मैम, वेलकम टू द मोस्ट एक्सूरियस एंड द एक्सपेंसिव होटल इन द वर्ल्ड इन द इंडिया। नमस्ते नमस्ते, वैसे तू नहीं हूँ आगे अंग्रेजी में कहा कह दी? मम्मी स्वागत कर रहा, स्वागत। अच्छा अच्छा बढ़िया, स्वागत अच्छा बढ़िया। अरे भैया तुम तो स्वागत में लग गए, ससुराल में थोड़ी नहीं आए, तो मेरे खाए भी मंगवा, भूख लग रही है। हाँ तो मंगा ना। ये लीजिए सर मेन्यू। भैया तुम एक प्लेट चाउमीन ले आओ, मम्मी मिर्च थोड़ी ज्यादा डरवा दियो। ओके सर। राधिका और भाई एक प्लेट ना चिली पटेटो लगा दे। श्योर सर बिल्कुल हो जाएगा। अरे कहा है किताब में, कहा देख रहे हो तुम? अरे मम्मी जो मेन्यू है यहाँ सब्जी के नाम और पैसा लिखे रहे हैं।
मैं देख लूं। चाउमीन 250, चिली पटेटो 150। ढाई 250 की चाउमीन ऑर्डर कर रहा है। रोटी खाने आई है, रोटी मंगा। आंटी आते ही रोटी थोड़ी ना खाई जाता है, पहले स्टार्टर में चट्टा मिट्टा खाओ जाता है। चट्टा मिट्टा अपने घर कर लीजो, यहाँ रोटी खा ले। इन बाल खेल क्यों मार रही है 250 रुपए के चक्कर में, खा ले जो खा रहे। और हाँ भाई, तू इतनी अंग्रेजी बोल रहा तो मैं अंग्रेजी में है कुछ? Yes sir, 30 ml whiskey only $5.99। 500 रुपए में 30 ml, 400 रुपए में मैं, राजू और भरम इतनी पी ले इतने सेट हो जाए, खेत में पड़े रहे घर भी ना आते। अच्छा सुन, इन बाल करने जो मंगाया ना खाने को वो लिया। ओके मैम। मंगा दिया अब तुमको, ऐसे मुंह बना के मत बैठो। ले जल्दी ले आओ। ओके सर। मैम प्लेन वाटर या फिर मिनरल वाटर लेंगे आप? पानी भी कई तरीका के हैं। मैम प्लेन वाटर फ्री है एंड मिनरल वाटर का पैसा लगता है 120। 120 का पानी? अरे बाबड़ा हो रहा है, ज्यादा पानी लिया, पानी के पैसा ना दे रहे हम। ओते। और सुन भैया, कांच के गिलास के पैसा लेता हूँ ना तो हमें तो प्लास्टिक में पिघवा दीजो। नो मैम। अरे भैया यहाँ तो लूट मचा रखी है, 120 रुपया का पानी, इतना महंगा तो सरसों का तेल भी ना आता, 100 रुपया लीटर चल रहा है सरसों का तेल। पूरा कोई बात ना भैया, बाहर ऐसी रह रहे, वैसा नितिन भाई भी आ जाते तो मजा आ जाता। हाँ भैया बात तो सही कह रहे हो। हाँ कहा सही कह रहे हो, सर यही ले आवे, भैंस भी हमारे घर में, उन्हें पानी भी पियाना पड़े और घर में के ताला लगा दे। अरे तू आ गया ना, चुप बैठा रहे। कुछ भी बोले तू मस्तानी। आया मैं आया लेते मोहब्बत, ये आपका थाना, ये लही आपकी तौमीन, मिर्चा ज्यादा एंड ये कलक चिली पोटैटो एंड दिस इज फॉर यू। हमको का चटनी? ए भाई वो काला आया तो। सर आपने स्नैक्स में कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, आप बोलो तो मैं आपके लिए मेन कोर्स में रेडी करवा देता हूँ। बताइए क्या रेडी करवाऊँ? तो एक काम कर, मोको एक तो दाल मखनी लिया और एक बढ़िया सी पनीर की सब्जी और साथ साथ रोटी ले आइयो। ओते सर। एंड मैम आपके लिए? तेना रेट इतने महंगे लगा रखे हैं, मेरे तो कुछ खाने का जी ना कर रहा। अरे मम्मी रेट के दिक्कत मत लो, ये अपने जानकार का ही है, बढ़िया डिस्काउंट दे देगा। अच्छा तो एक काम कर, मोको भी एक पनीर की सब्जी लिया। ओते मैम, रोटी बटर रोटी या फिर प्लेन रोटी? रोटी तो घी लगा के ही मिला है। यस मैम, यस मैम। तो बटर रोटी लेके आ। खवैयो कैसे है ये चिली पोटैटो? खाओ खाओ खाओ। मस्तानी थोड़ा धीरे धीरे खा ले ना तो गले में अटक जाएगी तेरे यू। अरे आंटी जान नहीं अटकत हूँ, जा तो सरदरात में भीतर जात है। अरे अभी तो चम्मच प्लेट ही आई है, अभी खाना भी आ जाएगा मैम, जब तक आप ये एंजॉय कीजिए। मजा आएगा, बहुत चटपटिया थी। हमारी गैल रहेगा मस्तानी, ऐसी मजा लेगा। ये लही आपकी दाल मखनी और ये लही आपकी हली चटनी। आंटी हमें तुम्हारी एनिवर्सरी बहुत अच्छी लगी, मजा आएगा। हाँ अच्छा, मैं भी अपने जन्मदिन पे यहीं आऊंगा मम्मी।
ला था आपका बिल, ला दिखा। आंटी खाना बहुत टेस्टी है, तो आज तक पूरे गांव में ऐसी एनिवर्सरी नहीं देखी हमने। ला बाबा 3200 रुपए दे दो। कह रहा हूँ 3200 रुपया। हाँ 3200 को भी लाया। ये दिखा 320 तो ना है कहीं। 3200 रुपया तू बावड़ा हो रहा है, 3200 रुपया का बिल कैसे बना दिया तूने? क्या डिस्काउंट करके ले गया? अरे मैम ये तो डिस्काउंट करने के बाद का ही है, बिल तो 4000 का था। अरे तू तो लुका रहा, तेरे दोस्त का होटल है, जब भी डिस्काउंट मिला है तो करता दिया डिस्काउंट, 800 रुपए छोड़ दिए। 800 रुपया तो मैं घर जाके बताऊंगी। हाँ भाई कैसे कैसे लगाया तूने रेट? मैम बता लोती थी ना, बता लोती 80 रुपए मात्र। 80 रुपया की एक रोटी? यस मैम। 100 रुपया और लगा के 5 किलो का कट्टा आ जाता, पूरे महीना भर बैठ के खाते। मैम लोती खाया इतना है तो मैं क्या करूँ? यू खा रहा खेच खेच के रोटी, यू ना के बाहर आई है तो एक दो रोटी कम खा लूँ। एक काम कर, न तेरी न मेरी 1100 रुपया में कर दे यार। ओ मैम दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। अरे यार यार देख जल्दी खत्म करो यहाँ तो। पहले कह रही मैं घर ही दावत कर ले रहे, घर पे ही दावत कर ले रहे, पर ना मैं 1100 रुपए से 1 रुपया ज्यादा ना दूंगी। मैम ये आपके आपत की लड़ाई है, मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे और भी कस्टमर संभालने होते हैं प्लीज। तुम दोनों ने ज्यादा लग रही ना, होटल में खाना होटल में खाना, अब होटल के बर्तन धो के आना, हम जा रहे हैं। मम्मी अंटे हमें तो बकरिया चराने हैं। अरे बालकन ने बुला लेना, ये इसी लाइक है। अरे पैसा मैं भर दूं, कोई दिक्कत ना। अरे ना तुम चलो सीधा। मम्मी मम्मी छोड़ो, सीधा बर्तन धो लो। मम्मी मम्मी बर्तन धोने कह रहा हूं मम्मी। राम राम जी। दोस्तों कैसे हो सारे के सारे, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए और आप सबको 17 मिलियन बहुत बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे 17 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब और कर दीजिए और करवा दीजिए पूरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट में बताना ही है, और अपनी मम्मी पापा सबके साथ बैठ के वीडियो देखा करो, और जल्दी जल्दी नई नई वीडियो आती रहेंगी। बाकी मैं आपको बताऊं विनोवो के बारे में, विनोवो एक भरोसेमंद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना विनिंग अमाउंट मात्र 30 मिनट के अंदर 24/7 कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। 1 घंटे में फास्ट वेरिफिकेशन, 30 मिनट में बढ़िया आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पड़ा हुआ है, जाके डाउनलोड करो और ट्रेडिंग की दुनिया में कूद जाओ, मौज करो। बाकी नई नई वीडियो जल्दी आती रहेंगी, तब तक अपना ध्यान रखें। राम 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 जी।